नमस्कार दोस्तों, आईएएस प्रेप पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम विधायिका का डिस्कशन कर रहे हैं कक्षा 11 की एनसीईआरटी भारत में संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार के अंतर्गत। आज ये विधायिका चैप्टर हम समाप्त करने वाले हैं, ये उसका ये तीसरा एपिसोड है। आज हमको देखना है कि संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, ठीक है ना। इसके पहले हमने देखा था कि कोई भी कानून कैसे बनता है ना, और कानून बनने से पहले की क्या प्रक्रिया होती है। विधेयक पास होता है, पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर करते हैं, अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं, उसके बाद वो कानून बन जाता है। आज हमको देखना है कि संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। आइए स्टार्ट करते हैं। जिस दिल या दलों के गठबंधन को, दिल नहीं होना चाहिए यहाँ पे, जिस दल या दलों के होना चाहिए, लोकसभा में बहुमत हासिल होता है, उसी के सदस्यों को मिलाकर संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनती है। संभव है कि बहुमत की ताकत पाकर ये कार्यपालिका अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करने लगे, ऐसा हो सकता है। इसी कारण से ऐसी स्थिति में संसदीय लोकतंत्र मंत्रिमंडल को तानाशाही में बदल सकता है, और जिसमें मंत्रिमंडल को कहेगा कि सदन को वही करना पड़ेगा जो भी मंत्रिमंडल कहेगा, जो कहेगा वो करना पड़ेगा। जब संसद सक्रिय और सचेत होगी तभी वह कार्यपालिका पर नियमित और प्रभावी नियंत्रण रख पाएगी। संसद अनेक विधियों का प्रयोग कर कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, वही चीज़ें यहाँ पर हमको देखनी है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सांसदों और विधेयकों को जनप्रतिनिधियों के रूप में प्रभावी और निर्भीक रूप से काम करने की शक्ति और स्वतंत्रता प्राप्त हो। अगर उनके पास शक्ति ही नहीं होगी, स्वतंत्रता नहीं होगी, तो वो कैसे नियंत्रित करेंगे दूसरों को। उदाहरण के लिए, विधायिका के में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है या पूछा जा सकता है फिर से, कुछ भी ये कहें, है ना। और ये क्या है, ये प्रिविलेज है, संसदीय विशेषाधिकार है, इसे संसदीय विशेषाधिकार अधिकार कहते हैं कि वो कुछ भी वहाँ पे करें। यहाँ तक गाली गलौज कर लेते हैं, कुर्सियों से मारपीट होती है, जूते चप्पल फेंक दिए जाते हैं, इन कोई कार्रवाई नहीं होती है। विधायिका के अध्यक्ष को संसदीय विशेषाधिकार के हनन के मामले में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है। लेकिन जो ये अध्यक्ष है, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष, तो इन लोगों को क्या होता है कि ये लोग अगर कुछ कार्रवाई करनी है तो अंतिम शक्ति इन्हीं के पास है। ऐसे विशेषाधिकारों का उद्देश्य यह है कि सांसद और विधायक अपनी जनता का ठीक से प्रतिनिधित्व कर सकें और कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण रख सकें। लेकिन ये रूप बड़ा परिवर्तित हो जाता है, ऐसे ही सब हो हल्ला मचने लगता है। संसद यह नियंत्रण कैसे करती है, वह किन साधनों का प्रयोग करती है, क्या कार्यपालिका की जाजितियों पर संसदीय नियंत्रण सफल है, अब आइए इसको देखते हैं। संसदीय नियंत्रण के सबसे पहले हम साधन देख लें कि कैसे करती है, तभी तो हम जान पाएंगे। तो संसदीय लोकतंत्र में विधायिका अनेक स्तरों पर कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम करती है। यह काम नीति निर्माण, कानून या नीति को लागू करने, कानून या नीति के लागू होने की बाद वाली अवस्था यानी किसी स्तर पर किया जा सकता है। विधायिका यह काम कई तरीकों से करती है, बहस और चर्चा करके। कोई भी विधेयक पारित होना है तो उस पर बहस होगी, चर्चा होगी, कोई भी मुद्दा है। कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति करके कह देगी कि हम नहीं स्वीकृति कर रहे हैं इसको हमें अस्वीकृत है, फिर से विचार किया जाए। वित्तीय नियंत्रण होता है और अविश्वास प्रस्ताव लाके। अब एक एक हम करके इसको डिटेल में देखेंगे। बहस और विवाद की बात करें तो कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों और उनके क्रियान्वयन के तरीकों पर बहस करने का अवसर मिलता है। जो भी चीज़ें हो रही हैं, मंत्रिमंडल ने जो भी किया उस पर बहस करने का अवसर मिला। विधेयकों पर चर्चा करने के अतिरिक्त सदन में सामान्य वाद विवाद के दौरान भी विधायिका को कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता है। और ऐसे कुछ अवसर हैं जैसे कि प्रश्नकाल, संसद के अधिवेशन में के समय प्रतिदिन प्रश्नकाल आता है जिसमें मंत्रियों को सदस्यों के तीखे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है, समझ रहे हैं। शून्यकाल दूसरा होता है, इसमें सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं, सीधा ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा। आप नोट करिए, प्रश्नकाल यानी कि ये निश्चित है कि हर दिन प्रश्नकाल होगा जिसमें मंत्रियों को सदस्यों के तीखे प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा, जो भी वो प्रश्न पूछेंगे। शून्यकाल, इसमें किसी भी सदस्य के द्वारा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया जा सकता है और इस पर मंत्री उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। शून्यकाल के दौरान जो प्रश्न पूछा जाएगा बाध्य नहीं है, और लोकहित के मामले में आधे घंटे की चर्चा और स्थगन प्रस्ताव, तो आधे घंटे की चर्चा भी होती है और स्थगन प्रस्ताव, तो ये हो गया।
प्रश्नकाल सरकार की कार्यपालिका और प्रशासकीय एजेंसियों पर निगरानी रखने का सबसे प्रभावी तरीका अगर आपसे कहा जाए तो ये सही है, सबसे प्रभावी तरीका है, क्योंकि कुछ भी आप करोगे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, और कोई ये चुप्पे से पूछा नहीं जाता है, चुपके से ये पूरी संसद में पूछा जाएगा, और संसद के सदस्यों ने ही प्रश्नकाल में गहरी रुचि दिखाई है और इस समय सदन में सबसे ज़्यादा उपस्थित रहती है। संसद जो है सबसे ज़्यादा इसी में सांसद लोग उपस्थित भी रहते हैं, उपस्थिति सबसे ज़्यादा इसी समय होती है क्योंकि उनको प्रश्न पूछने में मज़ा आता है। ज़्यादातर प्रश्न लोक अभिहित के विषयों जैसे मूल्य वृद्धि, अनाज की उपलब्धता, समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचार, दंगे, कालाबाजारी आदि पर सरकार से सूचनाएं मांगने के लिए होते हैं। सांसद लोग जो होते हैं ना वो ऐसे मुद्दे उठा के फिर हाईलाइट भी होना चाहते हैं ना, वहाँ जाके फिर बताते हैं देखो मैंने ऐसा मुद्दा उठाया था अपने क्षेत्र का या कुछ ऐसा, है ना। खैर ऐसा ये अच्छी बात भी है, और हमारे जो इस समय यूपी के सीएम हैं माननीय योगी जी, तो उन्होंने तो बहुत बार ऐसे मुद्दे उठाए हैं गोरखपुर को लेकर, चाहे वो इंसेफ्लाइटिस की बात हो और बहुत सारे मुद्दे वो उठाते रहते थे। इसमें सदस्यों को सरकार की आलोचना करने तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का अवसर मिलता है। सॉरी, प्रश्नकाल के दौरान वाद विवाद इतने तीखे हो जाते हैं कि अनेक सदस्यों द्वारा अपनी बात रखने के लिए ऊंची आवाज़ बोली जाती है, अध्यक्ष के आसन के पास दौड़ के चले जाते हैं। आप देखिए कभी जब सदन चल रहा हो तो देखिए कितना तमाशा होता है वहाँ पे, आपको लगेगा कि ये सांसद लोग हैं, ये वही हैं जो बहुत नेताजी गंभीर बन रहे थे, और संसद से बहिर्गमन की जैसी घटनाएं होती हैं, बहिष्कार कर देते हैं, इससे सदन का बहुत समय बर्बाद हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये सभी कदम सरकार से रियायत प्राप्त करने के लिए राजनीतिक तरीके हैं और इससे कार्यपालिका का उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है, तो ये ध्यान रखिए। दूसरा है कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति की बात हम करें तो कानूनों को मंजूरी देने या ना मंजूर करने का अधिकार भी संसद के पास होता है। जो भी संसद सदस्य हैं उनके समक्ष तो ये सब रखा जाएगा। इसके अधिकार के द्वारा ही संसद जो है कार्यपालिका का नियंत्रण करती है। कोई भी विधेयक संसद की स्वीकृति के बाद ही कानून बन पाता है। जब वहाँ से स्वीकृत होगा तब तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास कब जाएगा, वहाँ से स्वीकृत होने के बाद में। और जिस सरकार को विधायिका में मनमाफिक बहुमत होता है उसके लिए संसदीय स्वीकृति प्राप्त करना कठिन नहीं है। इस समय जो बीजेपी की गवर्नमेंट है मोदी जी की, इसमें तो कुछ कोई दिक्कत ही नहीं है, सब सांसद अधिकतर उनके ही हैं, विपक्ष तक नहीं बचाया है उन्होंने। लेकिन ये मानकर नहीं चला जा सकता कि ये स्वीकृति मिल ही जाएगी। इस सहमत के पीछे शासक दल या गठबंधन के विभिन्न सदस्यों अथवा सरकार और विपक्ष के बीच गंभीर मोलतोल समझौते भी होते हैं। ये स्थिति अच्छी है, अच्छी नहीं है लेकिन होते हैं, चल रहा है ऐसा। यदि सरकार के पास लोकसभा में बहुमत हो पर राज्यसभा में ना हो, जैसा कि 1970 में जनता पार्टी और 2000 में राजग सरकार के दौरान हुआ, तब भी संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को काफ़ी रियायतें देनी पड़ती हैं। मोदी गवर्नमेंट के साथ भी ऐसा ही रहा है शुरुआती दौर में, अब तो स्थिति कुछ सही हो रही है। शुरुआत में क्या, ये लोकसभा में तो सब कुछ इनका ही, लेकिन राज्यसभा में सब कुछ आके फंस जाता था। तो अनेक विधेयकों जैसे मसलन लोकपाल विधेयक, आतंकवाद निरोधक विधेयक को राज्यसभा ने अस्वीकृत कर दिया। अब लोकसभा पास करके राज्यसभा को भेजी, राज्यसभा ने इसको अस्वीकृत कर दिया, पड़ा हुआ है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। वित्तीय नियंत्रण की बात करें तो सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था बजट के द्वारा की जाती है। बजट में आय व्यय का लेखा जोखा दिया ही जाता है। संसदीय स्वीकृति के लिए बजट बनाना और उसे पेश करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी भी है, और इस जिम्मेदारी के कारण विधायिका को कार्यपालिका के खजाने पर नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता है। सरकार के लिए संसाधन स्वीकृत करने से विधायिका मना कर सकती है, कह सकती है कि हम नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त होता है। फिर भी धन स्वीकृति करने से पहले लोकसभा सरकार द्वारा धन मांगने के कारणों पर चर्चा कर सकती है, ऐसा कर सकती है। लेकिन जब बहुमत है, अब ज़्यादातर लोग उन्हीं के हैं, तो कहाँ हो पाएगा, इस समय तो कतई नहीं हो पाएगा। जो गवर्नमेंट है वह भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक और संसद की लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर धन के दुरुपयोग के मामलों की जांच कर सकती है। लेकिन संसदीय नियंत्रण का एकमात्र उद्देश्य सरकारी धन के सदुपयोग को सुनिश्चित करना नहीं होता है। वित्तीय नियंत्रण द्वारा विधायिका सरकार की नीतियों पर भी नियंत्रण करती है, ठीक है ना। आगे हम डिटेल में इसको सब पढ़ेंगे, सब समझ में आ जाएगा, इतना आप जान लीजिए। अविश्वास प्रस्ताव की जो हमने बात की थी, ये क्या है, संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का एक सशक्त हथियार है अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन जब तक सरकार को अपने दलित अथवा सहयोगी दलों का बहुमत प्राप्त हो तब तक सरकार को हटाने की सदन की यह शक्ति वास्तविक कम, काल्पनिक ज़्यादा होती है। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ से,
भाई जब उसके पास बहुमत है, वो गवर्नमेंट में है तो कहाँ से। लेकिन जैसे 1989 में की बात से, जब मतलब अनेक कारणों से सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा और अपने प्रति सदन के अविश्वास के कारण ऐसा हुआ, और इनमें से प्रत्येक सरकार ने लोकसभा का विश्वास खोया, क्योंकि वह अपने गठबंधन के सहयोगी दलों का समर्थन बनाए रख पाने में सफल नहीं हो सके। मान लीजिए कि तीन चार दलों ने मिलकर बनाया और उसके बाद में इसमें कुछ खटास हो गई तो इन्होंने वापस दे दिया। अब ये इतने ही बचे, सरकार गिर गई क्योंकि ये विश्वास हासिल कर पाने में सक्षम नहीं हुए, 272 सीटें नहीं जिता पाए। एक उदाहरण दे रहा हूँ। परंतु इसके लिए ज़रूरी है कि सदन के पास पर्याप्त समय हो, सदस्य बहस में रुचि रखते हों, उसमें प्रभावशाली ढंग से भाग लें, है ना, तभी कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है संसद, और एक उत्तरदायी सरकार बन सकती है जो सुनिश्चित कर सकती है। सरकार तथा विपक्ष के में आपस में समझौता करने की इच्छा हो। पिछले 2 दशकों में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अधिवेशनों तथा इनमें होने वाली बहस पर खर्च किए जा रहे समय में उत्तरोत्तर गिरावट आई है, और इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में कोरम का अभाव और विपक्ष द्वारा अधिवेशनों के बहिष्कार जैसी समस्याएं भी रही हैं, जिससे वाद विवाद के द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित करने की सदन की शक्ति प्रभावित होती है। जब इतना एक तरफा बहुमत आ जाएगा तो उसमें इन सब चीज़ों का कोई महत्व रह ही नहीं जाता है। जब बहस कम होगी, जब सब कुछ पास ही हो जाएगा। दूरदर्शन पर ये कह रहे हैं कि आंखों देखे प्रसारण को 3 दिन लगातार देखिए, और इस संबंध में समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों को 3 दिन लगातार एकत्र करके पढ़िए, और इससे एक वॉलपेपर पोस्टर तैयार करिए। ऐसा करने में उन मुद्दों पर ध्यान दीजिए जिन पर बहस हुई है, अध्यक्ष की क्या भूमिका रही, कैसे प्रश्न पूछे राजनीतिक दलों में, तथा आपके निर्वाचन क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं उनकी क्या भूमिका रही, उन्होंने भी कुछ प्रश्न उठाए कि बस वैसे ही बस केवल वोट मांगने आते हैं, और मुद्दों की प्रकृति कैसी थी, क्या वे सभी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय थे। तो इस तरह से ये कह रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान भी रखना चाहिए। अच्छी बात है, अच्छा सुझाव है। अब संसदीय समितियाँ क्या करती हैं, बार बार हमने पढ़ा संसदीय समितियाँ, संसदीय समितियाँ ये करती क्या हैं, तो इनके बारे में हम देख लें। तो विभिन्न विधायी कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है, और ये समितियाँ केवल कानून बनाने में ही नहीं सदन के दैनिक कार्यों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्योंकि संसद केवल अपने अधिवेशन के दौरान ही बैठती है, हर समय तो बैठती ही नहीं है, सत्र चलते हैं उनके, मानसून सत्र, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन, तो इसलिए उनके पास अत्यंत सीमित समय होता है। वो किसी कानून को बनाने के लिए उससे जुड़े विषय का गहन अध्ययन करना पड़ता है, ऐसा थोड़ी ना कि वह फट से लिखे कि ये कानून बनना चाहिए, तो इसके लिए उस पर ज़्यादा समय और ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों का अध्ययन, विभिन्न विभागों के द्वारा किए गए खर्चों की जाँच, भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच पड़ताल, ये सब संसदीय समितियाँ करती रहती हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक दिन बैठेगा वो बस हो जाएगा, तो इसमें संसदीय समितियां ये सब कार्य करती हैं। और 1983 से भारत में संसद की अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई, विभिन्न विभागों से संबंधित ऐसी 20 समितियां इसमें दी हुई हैं कि 20 हैं, घटती बढ़ती भी रह सकती हैं, तो विभिन्न विभागों से संबंधित ऐसी 20 समितियां हैं, ये अस्थायी समितियों की बात हो रही, सॉरी ये 20 हैं, सही है ये। और अस्थायी समितियां विभिन्न विभागों के कार्यों, उनके बजट खर्चे, उनसे संबंधित विधेयकों की देखरेख करती हैं, ठीक है। और अस्थायी समितियों के अतिरिक्त अपने देश में संयुक्त संसदीय समितियों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, और इन समितियों के में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य इसमें होते हैं, ये जो संयुक्त समितियाँ बनाई जाती हैं। संयुक्त संसदीय समितियों का गठन किसी विधेयक पर संयुक्त चर्चा तथा वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए किया जाता है। समितियों की इस व्यवस्था ने संसद का कार्यभार हल्का कर दिया है, क्योंकि ये बहुत सारा काम कर डालती हैं, होमवर्क जितना है पूरा कर डालती हैं, और अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को समितियों को भेजा गया, संसद ने समितियों द्वारा किए गए काम में छिटपुट बदलाव करके उन्हें मंजूरी दे दी। कानूनी नज़रिए से देखें तो संसद की मंजूरी के बिना तो बजट पास हो सकता है और बजट पास हो सकता है और ना ही ना तो पास हो सकता है और ना ही कोई विधेयक कानून बन सकता है, यहाँ पर ना छूट गया है। किंतु ये बात भी सच है कि समितियों द्वारा दिए गए सुझावों को संसद शायद ही कभी ना मंजूर करती है, क्योंकि कार्य तो यही करती है सब ना, तो ये बात है। यहाँ पर एक देखिए ये दिया हुआ है कि संसद के 50 वर्ष, नेताजी कह रहे हैं कि तुम्हें संसद से संबंधित कोई सवाल तो नहीं करना है, बताइए पिछले 50 वर्षों में संसद से कुल कितने वॉकआउट हुए हैं, है ना, ये पूछ रहे हैं इसे। तो ये सांसद जी हैं,
इसमें सरकार के विरोध दर्ज कराने का एक आम तरीका है सदन से वॉकआउट करना। क्या ये काम जरूरत से ज़्यादा हुआ है? हो जाता है बहुत बार सब ऐसे ही। नेहरू एनवी गाडगिल जी क्या कह रहे हैं कि जहाँ तक विधायिका की प्रकृति का सवाल है उस पर कुछ प्रक्रिया बाधाएं देखें तो विधायिका पर कोई बाध्यता नहीं है। संसद अथवा विधायिका ही संप्रभुता पर कोई सीमा नहीं है, ये ऐसा कह रहे हैं। यूज कर सकते हैं आप कहीं भी। संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है? अब स्वयं को भी तो नियंत्रित करना पड़ेगा, और जो बदलाव हम दूसरे में देखना चाहते हैं तो अपने में भी तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो संसद बहस मुबाहिसें इनका मंच है। बहस मुबाहिसें के जरिए संसद अपने सभी ज़रूरी काम करती है। ये सार्थक और अनुशासित ढंग से होना चाहिए ताकि संसद की कार्यवाही आसानी से चले और उसकी गरिमा बरकरार रहे। खुद संविधान में संसद की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं, और संसद का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये कैसे कार्य करती हैं। जैसे ये दे रहे हैं, यहाँ पे एक कार्टून दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। वॉकआउट नहीं, आउट किए गए हैं। इन सदस्यों ने वॉकआउट नहीं किया है, अध्यक्ष ने इन्हें बाहर निकाला है। यानी कि कुछ उदंडता किए होंगे, मुंह देखिए इनका, ये लग रहा है कि कुछ बदमाशी करके आए हैं सांसद साहब लोग। क्या ऐसी स्थिति अक्सर आती है? आए देते हैं। एक और तरीके से सदन का अध्यक्ष अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। आपने शायद दल बदल विरोधक कानून के बारे में सुना होगा। हाँ, तो आप जानते होंगे इसके बारे में। और विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के टिकट पर चुने जाते हैं। यदि चुने जाने के बाद वे अपनी पार्टी छोड़ना चाहते हैं तो क्या होगा? स्वतंत्रता के काफ़ी समय बाद तक यह समस्या बनी रही। अंततः दलों में इस बात पर आम सहमति बनी कि किसी दल के टिकट पर निर्वाचित विधायक या सांसद कोई भी हो, चाहे वो MLA हो और चाहे वो MP हो। इसके लिए 1985 में संविधान का 52वां संविधान संशोधन किया गया। आपसे पूछा जाएगा कि दल बदल से संबंधित कौन सा संशोधन है, तो ये 52वां आप बताएंगे। और कब हुआ था? तो ये 1985 में हुआ था। और दल बदल निरोधक कानून इसे कहते हैं। और 91वें संविधान संशोधन द्वारा दोबारा इसे संशोधित किया गया है। तो इससे 52वां भी संबंधित है और 91वां भी संबंधित है। ये दो संबंधित हैं इससे संविधान संशोधन। सदन का अध्यक्ष दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय लेता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा, अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो सदन का अध्यक्ष लेता है, है ना? लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा लोकसभा का स्पीकर जैसे है। यदि यह सिद्ध हो जाए कि किसी सदस्य ने दल बदल किया है तो उसकी सदन की सदस्यता क्या होती है? समाप्त कर दी जाती है, ठीक है ना? और इसके अतिरिक्त ऐसे दल बदलों को किसी राजनीतिक पद जैसे मंत्री का पद है के लिए अयोग्य घोषित भी कर दिया जाता है कि अभी नहीं बन पाएगा। दल बदल क्या है? यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो, पहली यह शर्त है, या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान कर दे, या स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्याग दे दे, तो उसे दल बदल कहते हैं। समझ रहे हैं? विगत 20 वर्षों का अनुभव बताता है कि दल बदल निरोधक कानून दल बदल को रोकने में सफल नहीं हुआ है, लेकिन इसने किसी दल के प्रधान नेता और अध्यक्षों को विधायिका के सदस्यों के विरुद्ध अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान कर दी हैं, ठीक है ना? तो इसकी आलोचना भी आप कर सकते हैं। इस तरह से ये समाप्त हुआ चैप्टर। अब अगला चैप्टर हमको डिस्कस करना है, उसके पहले हम निष्कर्ष देख लेते हैं। अगला चैप्टर तो अगले लेक्चर में हम करेंगे। निष्कर्ष ये है कि संसद की कार्यवाही का टेलीविज़न पर आंखों देखा प्रसारण आपने देखा है। इन्होंने कहा, आपको सदन में इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगी वेशभूषा दिखाई देगी जो देश के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। कोई कहीं से दक्षिण भारत का है, कोई जम्मू कश्मीर का है, कोई पूर्वोत्तर से आया है, कोई MP से है, कोई कर्नाटक, कोई महाराष्ट्र से। तो विभिन्न जाति धर्म के संप्रदाय के सदस्य यहाँ होंगे। एक दूसरे का प्रबल विरोध बहुत बार करते नजर आएंगे। अनेक अवसरों पर ऐसा लगेगा कि देश का समय और धन बर्बाद हो रहा है। सांसद कार्यपालिका को अपनी प्रभावी ढंग से नियंत्रित भी कर सकते हैं। वे हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के हितों को अभ्यर्थि कर सकते हैं। अपनी खास बनावट के कारण सरकार के सभी अंगों में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधियात्मक हैं ये जो संसद है, यानी और इसके सदस्य जो हैं ये प्रतिनिधि हैं इसके। संसद में विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की मौजूदगी होती है और इससे संसद ज़्यादा प्रतिनिधियात्मक हो जाती है। भाई कोई, ये पूरा इंडिया है और पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ से लोग इसमें आपको मिलेंगे, हर जगह के लोग आपको मिलेंगे ना। और इस कारण संसद जनता की इच्छाओं के अनुरूप चलती है और जनता की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील होकर काम करती है। संसदीय लोकतंत्र में जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली यह विधायिका अत्यंत शक्तिशाली और उत्तरदायी संस्था है
और यही संसद की लोकतांत्रिक शक्ति का आधार भी है। इस तरह ये हमारा चैप्टर विधायिका वाला कंप्लीट हुआ। अगले चैप्टर के साथ जल्दी ही आपसे मिलेंगे। कोई क्वेरी होगी आप पूछ सकते हैं। अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, पसंद कीजिएगा। हाँ, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा सकते हैं, जिससे आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी जब जब हम यहाँ पर क्लास करेंगे, लेक्चर करेंगे, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।